नमस्कार मित्रों, मैं रिकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे महामंत्र के ऊपर। एक ऐसा महामंत्र आपको दूंगा जो कि 100% काम करेगा, गारंटेड काम करेगा, 100% काम करेगा। आपके धन की समस्या हो, आर्थिक आध्यात्मिक कोई समस्या हो, किसी को किसी प्रकार की बीमारी, नेगेटिविटी, कुछ भी दुनिया में जो आपकी समस्याएं आती हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, उसको दूर करने के लिए ये मंत्र गारंटेड है पूरी तरह से। और ये मंत्र कैसे काम करेगा, पहले इसको पूरी तरह समझना होगा, तभी आपके लिए प्रॉपरली ये काम करेगा। इसको समझने के लिए आपको ध्यान पूर्वक वीडियो को देखना होगा। पूरी वीडियो देखेंगे, थोड़ी सी भी आपने चूक कर दी तो वो चीज आपके समझ में नहीं आएगी। आपने बहुत बार सुना होगा इसको, लेकिन जो आपको अभी इसका विज्ञान, जब तक किसी चीज का विज्ञान नहीं समझते, वो आपके अवचेतन मन में नहीं जाएगी। उसे कॉन्शियस माइंड वहीं से कट कर देता है कि ये तो सुना हुआ है, मैं जानता हूं ऐसा है वैसा है। कॉन्शियस माइंड कट कर देगा, आपके अवचेतन मन में जो चीज नहीं जाएगी वो काम नहीं करती। तो अवचेतन मन में जाए इसके लिए इसकी साइंस को आपको समझना होगा। तो वो साइंस को समझे कैसे ये मंत्र काम करता है। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि जीवन में जब समृद्धि आती है, सुख आता है, तंदुरुस्ती आती है, जीवन में हर प्रकार के सुख आते हैं, तो इसका अर्थ है जीवन में सकारात्मक ऊर्जा अर्थात पवित्र ऊर्जा अर्थात परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा की कृपा जीवन में आ रही है, वो बनी हुई है। आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा अच्छा हो रहा है तो यानी कि परमात्मा की कृपा आपके ऊपर है, इसलिए सकारात्मक ऊर्जा से आप भरे हुए हैं, व्हाइट ऊर्जा से भरे हैं, गोल्डन ऊर्जा, गुलाबी ऊर्जा, इन ऊर्जाओं से आपका जीवन भरा हुआ है। और यदि किसी के जीवन में कष्ट आ रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं, पैसा नहीं आ रहा, नौकरी नहीं आ रही, घर में लड़ाई झगड़ा, कुछ भी किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है जीवन में, अगर बहुत ज्यादा आ रही है, तो सीधा सा अर्थ है जीवन में परमात्मा की कृपा, परमात्मा की पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा जीवन में नहीं आ रही। उस सकारात्मक ऊर्जा को जीवन में कैसे लाया जाए, जिसको कहते हैं परमात्मा की कृपा पाना, वो कैसे पाई जाए। बाहर से आप करते हैं प्रभु कृपा कर दो, अपनी कृपा भेज दो, परमात्मा ने कृपा भेजी हुई है, आपने द्वार खिड़की बंद कर रखी है, परमात्मा क्या करे, वो बाहर से खटखटा रहे हैं, हम ही खिड़की बंद रखते हैं, परमात्मा की कृपा खड़ी है द्वार के ऊपर। तो इसको समझें, फिर आप पूरा विज्ञान समझ जाते हैं तो काम अपने आप हो जाएगा आपका, ये निश्चित ही समझें। एक ऐसा महामंत्र है ये, तो पहले इसको विज्ञान को समझें। जब नकारात्मक ऊर्जा जीवन में अधिक होगी तभी कष्ट आएंगे। जिसका जीवन हर दृष्टि से अच्छा ही अच्छा हो रहा है, उसके जीवन में परमात्मा की पवित्र ऊर्जा आ रही है। एक सिंपल चीज मैंने बताई हुई है, वीडियो देख के आप रेकी ही करते रहेंगे, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जाएगी, साल 6 महीने में जीवन ही बदल जाएगा। यदि कोई प्रॉपरली सीख सकता है तो प्रॉपरली सीख ले, फिर तो सोने पे सुहागा है। अब ये काम कैसे करता है, देखिए, जब छोटी छोटी चीजें जीवन में होती है, आपके जीवन में क्या होता है, आपके जीवन में वो होगा जो आप पूरा दिन महसूस करते हैं। यानी कि यदि कोई पूरा दिन सोचता है मैं डिप्रेशन में हूं, मुझे ये समस्या है, मुझे तकलीफ है, मुझे ऐसा है वैसा है, यानी कि वो नकारात्मक चीजों को महसूस करता है, फील करता है। यदि कोई नकारात्मक घटनाओं को, नकारात्मक बातों को बार बार महसूस करता है, फील करता है, तब वो नकारात्मकता अपने भाग्य में दर्ज कर रहा है, अपने खाते में भर रहा है नकारात्मक ऊर्जा, अर्थात जीवन में कष्ट समस्याएं, तो यानी कि वो बीज ही नकारात्मकता के डाल रहा है। फिर कितनी भी प्रार्थना करते जाओ प्रभु कृपा कर दो, वो कृपा नहीं आ रही, क्योंकि आप खुली खिड़की बंद करके बैठे हैं। तो इसको कैसे कम किया जाए और सकारात्मक ऊर्जा को, परमात्मा की कृपा को कैसे ग्रहण किया जाए, देखिए, जो हम पूरा दिन में महसूस करते हैं, यदि आप अच्छा 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 महसूस करते हैं तो जीवन में, आपको मंत्र भी दूंगा चिंता रखें, यदि आप छोटी छोटी बात पे, बड़ी बात पे, चाहे छोटी से छोटी चाहे बड़ी से बड़ी, यदि उसमें आप एक अच्छी फीलिंग लाते हैं मन में, आप कहीं जा रहे थे एकदम से ठोकर लगी बड़ी जोर के, पैर पे चोट लगी बड़ी जोर के, आप गिर गए, बाजू पे चोट लग गई और आपके एकदम मन में पीड़ा उठी, हो ये क्या हो गया, ये हुआ नकारात्मक होने का परिणाम।
यदि कोई सकारात्मक हो तो उसके साथ क्या होगा? वो जा रहा है, गिर गया, घुटने पे, बाजू पे कहीं चोट लग गई, चोट कितनी भी ज्यादा लग गई, बहुत दर्द हो रहा है, तब भी जो पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा से भरा होगा, परमात्मा की कृपा से भरा होगा, उसके साथ क्या होगा? वो एकदम से, जैसे ही उसको उधर दर्द हो रहा है, उधर पीड़ा हो रही है, वो एकदम से प्रभु का धन्यवाद करने लग जाएगा। उधर गिरा है, उधर चोट लगी है, उधर खून भी निकल रहा है, थोड़ा एकदम से धन्यवाद से भर जाएगा, प्रभु शुक्र है। सीढ़ियों से आ रहा था, दूसरी ही सीढ़ी पे गिर गया, अगर पलटता यहां से तो 20 सीढ़ियां नीचे जाके गिरता, कुछ भी हो सकता था, टांग बाजू टूट जाती, कितना भी हो सकता, प्रभु आपने बचा लिया। अब उसके साथ क्या घटनाक्रम हुआ? उसके साथ नकारात्मक घटना हुई, लेकिन उसने उस नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तित कर दिया। अब इस तरह से जीवन में जो कुछ भी होता है उसके, क्योंकि हम पर्दे के आगे आगे देख रहे हैं, हम पीछे नहीं देख रहे, वो क्यों हो रहा है, वो हो तो भलाई के लिए रहा है, लेकिन हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप सकारात्मक हैं, जीवन में कुछ भी हो रहा है, एक व्यक्ति गिरा, उसको चोट लगी और वो धन्यवाद कर रहा है, प्रभु आपने बचा लिया, मेरी टांग टूट जानी थी, मेरी बाजू टूट जानी थी, और भी बहुत कुछ हो सकता था, प्रभु आपने बचा लिया, इतने में ही बचाव हो गया, थोड़ा सा खून निकला, प्रभु आपका धन्यवाद। इसके जीवन में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसके साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता, असंभव है, ये प्रकृति का नियम है। जो चीज आप महसूस करेंगे वही आपके जीवन में होगा। वो धन्यवाद महसूस कर रहा है, धन्यवाद से कैसी ऊर्जा जा रही है, कैसी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, ब्रह्मांड में कैसी ऊर्जा जा रही है। असल में जो जैसी फीलिंग आप करते हैं वही वाइब्रेशन बन के पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। जैसे आप एक झील में पत्थर फेंकते हैं, वो एक लहर बनती है, पूरी झील में फैल जाती है। जो आपके दिमाग में फीलिंग आती है, अच्छी या बुरी, जो आप महसूस करते हैं वही फीलिंग पूरे ब्रह्मांड में जाती है और वैसा ही रिजल्ट लेके आएगी। अब वो व्यक्ति गिरा है, लेकिन वो धन्यवाद से, वो प्रेम से, वो शांति से भर गया। दूसरा नकारात्मक व्यक्ति गिरा, वो परमात्मा को भी कर रहा है कि तू मैं तूने मुझे बचाया नहीं, देख मैं गिर गया, तू कहां था, मैं तेरी इतनी पूजा करता हूं, पाठ करता हूं। वो कितना भी पाठ करता रहे, लेकिन चश्मा ही एक बिल्कुल मिट्टी से भरा हुआ लगाया है तो क्या हो सकता है। तो क्या मंत्र है? मंत्र ये है कि जीवन में जो कुछ आप जैसा जैसा महसूस करते जाएंगे वही ऊर्जा आपके जीवन में बढ़ती जाएगी। अब चाहे छोटी ऊर्जा हो, चाहे कोई बड़ी समस्या हो, यदि उसमें आप एक अच्छाई देखते हैं, उसमें प्रभु का धन्यवाद करना सीख लेते हैं, केवल धन्यवाद करें, केवल धन्यवाद करें, धन्यवाद हर चीज के पीछे हो सकता है। एक व्यक्ति जा रहा है मोटरसाइकिल पे, एक्सीडेंट हो गया और मोटरसाइकिल टूट गया बुरी तरह से, उसने सारी जिंदगी के पैसे इकट्ठे करके मोटरसाइकिल खरीदा था और खुद की टांग टूट गई, वो भी एक सकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी कर सकता है पॉजिटिव नजरिए से, वो भी धन्यवाद से भर के प्रभु का धन्यवाद कर सकता है, प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मेरी जान बचा ली, मेरी रक्षा कर ली, आप अब मेरा परिवार के लिए, मैं 2-4 महीने में दोबारा ठीक होके मैं उसके लिए काम कर पाऊंगा, ये दृष्टिकोण है। तो इससे होगा क्या? जो आप महसूस करेंगे वही आपके अवचेतन मन में उतरते हैं, वही मैसेज आपके अवचेतन मन में जाएगा। जैसा आप महसूस करेंगे, यदि आप सकारात्मक महसूस करते हैं तो अवचेतन मन में पॉजिटिविटी ही जाएगी, और जो कुछ अवचेतन मन में जाएगा वही जीवन में वापिस लौट के आएगा। जैसा आप विचार करते हैं वही विचार पूरे ब्रह्मांड में जाएगा और वैसा ही रिजल्ट लेके आएगा। यदि कोई एक व्यक्ति के दर्द रहता है, मान लो सर में 24 घंटे, बहुत लोग होते हैं उनको हर टाइम दर्द ही दर्द रहता है, वो क्या कर सकता है, हर टाइम दर्द से परा रहा है, लेकिन उसके लिए फिर भी वो प्रभु का यदि धन्यवाद करना सीख ले तो जीवन में कोई भी समस्या आ जाए, परमात्मा देख रहा है उसको सर दर्द हो रहा है और वो प्रभु का धन्यवाद करता जाए, प्रभु आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद। ये एक सेकंड, ये कॉल्स बीच में आ जाती हैं, बड़ी गड़बड़ करती हैं, तो प्रभु आपका धन्यवाद, यदि वो व्यक्ति धन्यवाद करना सीख लेता है जीवन में तो जीवन में हर चीज आनंद से भरी होगी, हर चीज, चाहे वो कुछ भी करे, कुछ भी करे, क्योंकि जैसा आपके भीतर बार बार मैसेज जाएगा वही आपके कॉन्शियस माइंड में जाएगा, अर्थात जो आप अपने अवचेतन मन में जैसी बात उतार लेंगे वही जीवन में आ जाएगी। आप हर समय केवल और केवल धन्यवाद करना सीखें, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। जो व्यक्ति धन्यवाद करता है वो क्या करता है, पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा के बीज
ब्रह्मांड में भी फैला रहा है, अपने भीतर भी डाल रहा है। तो धन्यवाद, हर चीज के पीछे बार बार घड़ी घड़ी धन्यवाद धन्यवाद, आपको वो रिजल्ट मिलेंगे। मैं गारंटेड कह सकता हूं, गारंटेड अपने अनुभव से, आपको वो रिजल्ट मिलेंगे जो आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपकी धीरे धीरे आप देखेंगे 4-6 महीने में जीवन में पैसा नहीं था, पैसे का फ्लो भी बढ़ गया, पैसा भी आने लग गया, अपने आप ही, कुछ नहीं कर रहे। पहले भी वही दुकान थी, वही नौकरी थी, लेकिन एकदम से जादू हो गया, पैसा भी आने लग गया। उधर तन कोई शारीरिक समस्या थी वो भी दूर हो गई, बीमारी भी ठीक हो गई, कोई ना कोई बहाना बना, किसी के पास दवाई ले ली, किसी से हीलिंग करवा ली, किसी बाबा का आशीर्वाद ले लिया, किसी भी बहाने से वो ठीक हो गई बीमारी। जो भी जीवन में समस्या है, केवल धन्यवाद करने से, एक धन्यवाद करने से प्रभु का, क्योंकि प्रभु ने हमें अनंत दिया हुआ है। हमारी दृष्टि बहुत लालची है, बहुत लालची, हमें जो मिला है उसके लिए तो कभी धन्यवाद करते ही नहीं, बस हर चीज में हमें टांका टांका चाहिए, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। यदि आप धन्यवाद करना सीख लेंगे तो गारंटेड है, गारंटेड आपकी धीरे धीरे 4-6 महीने में हर समस्या दूर हो जाएगी। कोई भी कितनी भी पुरानी से पुरानी समस्या हो वो अपने आप पाएंगे। आप घर में भी शांति रहने लग गई, पैसा भी आने लग गया, नौकरी भी हो गई, बच्चों की पढ़ाई भी दूर हो गई, भूत प्रेत भी भाग गए, घर में प्यार प्रेम भी बन गया और आध्यात्मिक तरक्की भी होने लगी। सबसे बड़ी बात, जब आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं तो भीतर हर समय ऐसे लगता है जैसे हृदय में थोड़ी थोड़ी देर बाद एक अमृत की बूंद टपक रही है। थोड़ी थोड़ी देर बाद अमृत की बूंद टपकेगी, आप शांत हो जाएंगे, आप आनंदित हो जाएंगे, और शांति से बड़ा कोई भी दुनिया में सुख नहीं है। शांति वही महसूस कर सकता है जिसके ऊपर सकारात्मक ऊर्जा की बौछार होती है, परमात्मा की कृपा की बौछार होती है। उम्मीद है आप बात को समझ गए होंगे। कहने का अर्थ, जो बीज आप बार बार, जो बात आप अपने दिमाग में घुमाएंगे, अपने मन में, आप अपने अवचेतन मन में बार बार डालेंगे, वही चीज जीवन में आती है। धन्यवाद से क्या होता है, धन्यवाद से ये होता है, जब आप धन्यवाद करते हैं तो उसका अर्थ है आप सुख में हैं, आपको अच्छा प्राप्त हुआ है, आपको जो मिला है वो बहुत अच्छा मिला है। आपको धन्यवाद करने का अर्थ ही यही है, जो मुझे मिला है बहुत है, बहुत 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 है। जब ऊपर वाला देखता है कि ये तो बहुत बहुत कह रहा है, अब मुझे बहुत कुछ मिल गया प्रभु आपका धन्यवाद, तो वो देखता है कि इसके पास जो कचरा पड़ा है उसको हटाओ, उसको हटाओ, इसको बहुत ही दे दो, इसको पूरा भर दो, इसको आनंद खुशी प्रेम से भर दो। धन्यवाद, नमस्कार।